हेलो, वेलकम टू कंपटीशन। अब आज हम बात करने वाले हैं एक रिजल्ट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे और इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। कि बताया जा रहा है कि उसमें रिजल्ट में कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि SSC की क्रेडिबिलिटी पे भी कोई ज़्यादा अब भरोसा नहीं रहा है। तो काफ़ी बड़ा रिजल्ट अभी उन्होंने रिवाइज़ किया है, तो इसलिए जो बच्चों में डाउट पैदा हो रहे हैं उनका भी अपना बनना अपने आप में एक महज बात बनी जाता है और वो सच भी है एक तरीके से। उससे पहले यदि आपने अभी तक कॉम्पिटिशन आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटिशन आपको, और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज जो कॉम्पिटिशन HU के नाम से, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दी गई है। अब हम बात करते हैं उससे पहले SSC MTS के रिजल्ट के बारे में। जिन लोगों का रिजल्ट अभी निकल गया Tier 1 Paper 1, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और उनको जो प्रिपरेशन करनी है उन्हें क्या करना है कि Paper 2 क्वालिफाई करने के लिए उनके डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका जो ऐसे है वो 200 से 250 वर्ड का आ सकता है, और उसके अलावा आपका जो लेटर है वो आपका 125 से 150 शब्द का भी आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं इसकी 2014 की कट ऑफ इसकी कितनी गई थी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की, जो इससे पहले हुआ था, तो उसकी कट ऑफ भी देख लेते हैं। 50 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था, उस समय कट ऑफ और आपकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और भी बहुत सारी बातें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल की जो कट ऑफ की थी 40, OBC की 38, SC की 35 और ST की 32 कट ऑफ गई हुई थी। अब इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो टॉपिक 2014 में पूछे गए थे वो ये सारे के सारे टॉपिक हैं, आप देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और टॉपिक बता भी देता हूँ। ये टॉपिक आए थे ऐसे में आपके, अब आप देख लेते हैं कुछ एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, वो आप देखिए। किसी त्यौहार पर निबंध, ये निबंध है आपका। कोई सरकारी योजना भी कर लीजिए आप, कुछ एक पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री धन जन धन योजना, और किसी खेल के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और माल और सेवा कर, GST और विमुद्रीकरण पर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, मतलब पढ़ के अपने डिस्क्रिप्शन की राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में परफेक्ट हैं उसमें आप अपनी प्रिपरेशन, मतलब ये राइटिंग स्किल अपनी शो कर सकते हैं, वहाँ पर दिखा सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जिसके लिए, जी हाँ, आज बात करने वाले हैं स्टेनो के रिजल्ट के बारे में कि काफ़ी सारे बच्चों में उनसे उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो रिजल्ट SSC ने 2 दिन पहले अभी मतलब कल ही पब्लिश किया है, इसमें 173 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी के लिए किए हैं 1043। हम इसी में जो बच्चों में डाउट क्रिएट हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, मैं आपको वही आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट हो रही है। ये देखिए, ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें अनरिजर्व के 111 वैकेंसी थी, 96 आपके बच्चे रिक्वायर्ड किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम है, 7 बच्चे और 9 बच्चे, 7 OBC के, 9 OBC, 9 SC के, उनने किसमें क्वालिफाइड किए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में। हम बात करते हैं सभी चीज़ों के बारे में और आपको दिखा दूँ और बच्चों में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसमें असंतोष है, जिन्हें उनमें ये आपकी 9 कैटेगरी जनरल की होती है, 6 OBC की होती है। डिपार्टमेंट कोड आपका ए है, मतलब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, उसमें आपकी OBC की कट ऑफ गई है 124 और जनरल की कट ऑफ गई है 122.25, यानी कि जनरल की कट ऑफ कम है OBC से, ये देखिएगा आप, मेन चीज़ है। इसके साथ साथ अब आप ग्रुप डी की पोस्ट देखिएगा, ग्रुप डी में आपके 121 कैंडिडेट OBC के, 44 SC के और 3 ST के अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाइड किए गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी इन्होंने 722 वैकेंसी फिल किए हैं, 765 में से 722 बच्चों को सिलेक्ट किया है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट कोड यहाँ पे देखिएगा कि आप 9, मैंने आपको बताया जनरल का कोड होता है कैटेगरी, और 6 आपकी OBC की है, डिपार्टमेंट कोड 1 है, और ये 1 में आप देखिए जनरल की कट ऑफ 119.25 और OBC की कट ऑफ हुई है 120.25.25। और बच्चों का ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों में ये हो रहा है कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं। यहाँ पे भी देख लीजिएगा आप एक बार, ये 9 आपकी गई है डिपार्टमेंट डी में, 9 है और आपका 119.5 है, इसमें 119 मतलब इक्वली है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी देखिए 16 वैकेंसी जनरल की और 8 वैकेंसी आपकी किसकी, OBC की। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है आपका, और फाइनल रिजल्ट में हमेशा इस बार होता है, चाहे वो CGL का हो या CHSL का हो, जिसमें OBC की कट ऑफ आपकी ज़्यादा हो जाती है किससे,
जनरल में बहुत से केसेस में ऐसा होता है, आप 2014 और 2015 के में भी कुछ एक डिपार्टमेंटल पोस्ट थी जनरल की जिसमें ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, शायद वो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट या एग्जामिनर में से किसी एक की थी। लेकिन और आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोई कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में है जो कैंडिडेट, वो अपने मार्क्स लेके आता है, क्वालिफाइड करता है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो वहाँ पे वो अपना सिलेक्शन ले सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो जब फाइट करेगा, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में उसे वही डिपार्टमेंट मिलेगा जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को मिलता है। जैसे कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, उसने फाइट की है और उसके मार्क्स आपके 120 आ रहे हैं और 120 ही कट ऑफ है जनरल की, तो फाइट करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन ओबीसी में फाइट करता है तो उसे हो सकता है डिपार्टमेंट कोई अच्छा सा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे डिपार्टमेंट वो मिलेगा जो जनरल के कैंडिडेट को मिल रहा है। इसके अलावा यदि बच्चों को लग रहा है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, उनके पास कुछ और सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन हो या उन्हें और भी ज़्यादा इसमें डाउट लग रहे हो, तो वो एक काम कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज पर जाइएगा। फेसबुक पेज मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ पर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम आपकी बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कंसिडर करेंगे, और इसके लिए कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों कंप्लेंट भी करेंगे। तो आप यदि आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगती है और रिजल्ट में कुछ भी आपको लगता है और भी ज़्यादा कुछ मिसलेनियस है, तो बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच टू गिव यू वैल्यूबल टाइम, थैंक यू सो मच।